नमस्कार, आप सुन रहे हैं अरविंद की कहानियां और आज की कहानी है बाहों के घेरे। नीलेश, मैं जब तुम्हारे साथ रहती हूँ स्वयं को एक स्त्री होने के भय और पाप से मुक्त समझती हूँ। रात के 9 बज गए थे। पार्क की बेंच पर बैठी हुई रंजना ने बेंच के सामने बिछी हरी घास पर बैठे हुए नीलेश की ओर देखते हुए कहा, जो उस समय आकाश की ओर एक टक देख रहा था। यूं तो पार्क में चारों ओर चांदनी खिली हुई थी, किंतु छोटे छोटे बादलों के टुकड़े इधर उधर बेपरवाह उड़ रहे थे। जब कभी बादलों का कोई टुकड़ा चंद्रमा को ढक लेता तो आकाश के तारे तेजी से चमकने लगते, और जैसे ही बादल का वो टुकड़ा चंद्रमा से दूर हटता तो चांदनी बिखर जाती और तारे टिमटिमाने लगते। आकाश में उमड़े हुए बादलों, चंद्रमा, तारे और चांदनी के इस खेल को नीलेश कब से देख रहा था। रंजना को लगा नीलेश कहीं विचारों में गुम हो गया है और ये रात उसे इतना भा गई है कि वो उसी में कहीं खो गया है। रंजना बेंच से उठी और नीलेश के सामने तीव्रता से किंतु मुक्त भाव से आकर बैठ गई और उसे पकड़कर अपनेपन से झंझोर दिया। तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, सुना तो था, लेकिन तुम्हारे शब्द याद नहीं है। तो क्या हुआ? अर्थ तो याद है ना? हाँ, वो तो यही था ना कि तुम मेरे साथ स्वयं को मुक्त समझती हो। हाँ, सब प्रकार के भय से और बंधनों से मुक्त। चलो अच्छा है। मैं समझता हूँ समाज में स्त्री को भय और बंधनों से मुक्त रहने का प्राकृतिक अधिकार है, होना ही चाहिए। अधिक दार्शनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उधर देखो, पार्क का चौकीदार हाथ में डंडा लेकर हमारी ओर ही आ रहा है। नीलेश ने पार्क में चारों ओर देखा, सन्नाटा हो गया था। एक दो लोग थे, किंतु वे भी पार्क से बाहर जाने के लिए मुख्य द्वार की ओर कूच कर चुके थे। केवल वही दोनों पार्क में बैठे थे। साहब, पार्क बंद करने का समय हो गया है, चौकीदार ने नजदीक आते हुए विनम्रता से कहा। हाँ हाँ, ठीक है, नीलेश ने कहा। दोनों उठकर खड़े हो गए और मुख्य द्वार से बाहर जाने के लिए चल पड़े। मैत्री, संख्य, प्रेम, इनका विकास धीरे धीरे होता है, किंतु ये समगति से बढ़ने वाला विकास नहीं है, वरन ये सीढ़ियों की तरह बढ़ने वाले गति की तरह है, लगातार, क्रमशः, नए नए उच्चतर स्तर पर पहुंचने वाली। नीलेश और रंजना का परिचय यूं तो 15-16 वर्ष का था, जब दोनों के परिवार एक ही कॉलोनी में रहते थे। नीलेश के पिता का ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया था। उस समय नीलेश 8 वर्ष का था और कक्षा 3 में उसका नाम उसी स्कूल में लिखवा दिया गया है जिसमें 11 वर्ष की रंजना कक्षा 5वीं में पढ़ती थी। दोनों के परिवार एक दूसरे के पड़ोसी थे और उनके बीच धीरे धीरे रिश्तों की मिठास भी घुलने लगी थी। रंजना और नीलेश एक ही स्कूल में थे तो एक साथ ही स्कूल बस से स्कूल आते जाते थे, किंतु एक वर्ष के बाद रंजना जूनियर क्लासेस में पहुंच गई थी। इस कारण दोनों की स्कूल जाने की टाइमिंग बदल गई थी और स्कूल बस भी, किंतु स्कूल से छुट्टी के बाद दोनों का खेलना कूदना तब तक बना रहा जब तक नीलेश के पिता का पुनः ट्रांसफर नहीं हो गया। नीलेश जूनियर क्लासेस में पहुंच गया था और 11 वर्ष का भी हो गया था, रंजना 14 वर्ष की। दोनों के बचपन की ये सरल मैत्री धीरे धीरे उन दोनों के जहन से समय के साथ साथ विस्मृत हो गई थी, किंतु मिटी नहीं थी और मिट भी नहीं सकती थी। बचपन के जीवन में हुआ मैत्री भाव सदैव स्थायी और प्रगाढ़ बना ही रहता है। पार्क से बाहर निकलकर उन्होंने एक 3-व्हीलर ली और हैरतगंज में कॉफी हाउस के सामने उतर गए। रंजना नरही में एक हॉस्टल में रहती थी, जबकि नीलेश भी वहीं थोड़ी दूर पर एक कमरे का स्वतंत्र मकान लेकर रहता था। रंजना, देखो भाई, देर तो काफी हो चुकी है, टाइम हो तो एक एक कॉफी पीकर अपने अपने ठिकानों की ओर चला जाए। तुम तो जानते ही हो आज के दिन हॉस्टल का मैस बंद रहता है और रात को देर से आने की छूट भी होती है, फिर तो कॉफी के साथ कुछ खा भी सकते हैं।
रोज रोज रखे उस टिफिन का खाकर मैं भी बोर हो गया हूँ। कॉफी हाउस में दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठ गए और वेटर को दो कॉफी के साथ दो बड़े बर्गर का ऑर्डर दिया। हजरतगंज का कॉफी हाउस लखनऊ के नागरिकों के लिए जीवन की धुरी है। ये बात अलग है कि यहाँ जीवन जिया नहीं जाता, वहाँ केवल जीवन से विश्रांति की व्यवस्था है और जो उस जीवन के संचालन का नियमन करते हैं उनके लिए वो केवल एक स्वाभाविक कोना है। नीलेश जानता था कि रंजना का 3 वर्ष पहले अपने पति से तलाक हो चुका है, परंतु ये कारण पूछने का साहस उसे कभी नहीं हुआ। तलाक के पश्चात उसके पति विदेश, शायद यमन चले गए थे और किसी एंग्लो इंडियन महिला या पुरुष के साथ रहते हैं। रंजना 3 वर्ष से इसी हॉस्टल में रह रही है और इधर उधर की छोटी नौकरी करके अपना जीवन जी रही है। कॉफी पीते पीते ये सब बातें उसके सामने चलचित्र की भांति घूम रही थी। सहसा मेज को थपथपा कर रंजना ने उसे वापस अपनी दुनिया में लौटाने का संकेत दिया। कहाँ खो गए नीलेश? कहीं नहीं। नीलेश, मेरे बारे में सोचना बंद करो और बताओ तुम्हारी थीसिस कहाँ तक पहुंची? नीलेश स्थानीय नेशनल डिग्री कॉलेज में 2 वर्षों से अस्थायी रूप से सहायक लेक्चरर था और पीएचडी भी कर रहा था और वो भी नरही में ही रह रहा था। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात रंजना से हो गई थी। कॉफी हाउस में उनका एक साथ कॉफी पीना अक्सर होता ही रहता था। शीघ्र ही वो उनकी फेवरेट जगह बन गई थी। तुम्हें तो मालूम ही है 2 वर्षों में मेरे 2 पेपर पब्लिश हो चुके हैं और तीसरे की तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया, मुझे भी कल से एक नौकरी की तलाश करनी है। क्यों, क्या हुआ? 3 दिन पहले मैंने इस्तीफा दे दिया। नीलेश जानता था कारण पूछने का कोई लाभ नहीं होगा। पिछले 2 वर्षों से उनकी ये तीसरी नौकरी थी जिसे 3 दिन पहले वो छोड़ चुकी थी। नीलेश ने वेटर को बिल का भुगतान दिया और कॉफी हाउस से दोनों बाहर निकल आए। नरही की ओर जाने वाली सड़क थोड़ी सुनसान हो गई थी। लगभग सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। इक्का दुक्का मोटरसाइकिल और कारें आ जा रही थी। वे दोनों पैदल ही अपने अपने ठिकानों की ओर चल पड़े। थोड़ी देर दोनों चुपचाप चलते रहे। रंजना समझ रही थी कि उसके त्यागपत्र से नीलेश थोड़ा व्यथित है, इस कारण विषय बदलने के उद्देश्य से उसने कहा, नीलेश, सत्य को कटु क्यों कहते हैं? वो कटु कैसे हो सकता है? अंग्रेजी में भी कहते हैं पेनफुल ट्रुथ। सत्य तथ्य का रचनात्मक या सृजनात्मक रूप है और सृजन सदा पेनफुल होता है। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इसमें पेनफुल ट्रुथ की बात हल नहीं हुई। हाँ, शायद नहीं हुई। एक उदाहरण से देखें। मान लीजिए क ख से प्रेम करता है, ये तथ्य है। आप बड़ी आसानी से या सहजता से ये सत्य कह सकते हैं कि क ख से प्रेम करता है, क्योंकि आपका कोई लगाव ना तो क से है और ना ही ख से। किंतु सोचो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इस सत्य का कहना कितना कठिन है। ये कह पाना व्यक्ति का सृजन नहीं तो क्या है? नीलेश सांस लेने के लिए ठहर गया। रंजना जो 3-4 कदम आगे बढ़ चुकी थी, नीलेश को ठहरा हुआ देखकर वापस सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? मैं सोचता हूँ सृजन स्वयं में एक शक्ति है। हाँ है तो। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। तुमने एक बार बताया था कि कॉलेज के समय तुम नाटकों में भाग लेती थी। मैं नाटकों में भाग नहीं, उनका निर्देशन करती थी। मेरी रुचि निर्देशन में ही है। तो फिर निर्देशन को ही अपनी आजीविका का साधन क्यों नहीं बना लेती? रोज रोज की नौकरी ढूंढने की क्या आवश्यकता है? रंजना स्तब्ध होकर ठहर सी गई, अपलक एक टक नीलेश की ओर देखती हुई। जैसे आग की लौ आलोक बिखेरती है, उसे हम आलोक को विकसित होते हुए देखते हैं। यदि व्यक्ति की तुलना इस आग की लौ से करे तो यही ध्वनित होता है कि उसमें कुछ उत्सृष्ट होता है और फैलता है।
किंतु रंजना मानो शीतल आलोक से घिरी हुई उसके आवेष्टन में सींची हुई अलग दूर और अस्पृश्य खड़ी थी। नीलेश ने रंजना को एक बार सिर से पैर तक देखा। इसे घूरना नहीं कहा जा सकता था। आज की तिथि में ये अशिष्ट है, लेकिन एक ऐसी पारखी दृष्टि भी होती है जिसे घूरना कदापि नहीं कहा जा सकता, जो अशिष्ट भी नहीं है बल्कि सौंदर्य का नैवेद्य मानी जा सकती है। नीलेश ने सोचा, जो स्त्री उसके साथ इतनी सहज और सरल है, उसकी चर्चा आसपास ऐसे ही नहीं होती। उसमें कुछ तो है जिसका उन्मेष जीवन का उन्मेष है, जिसे जान सकना ही एक महान अनुभूति है, फिर वो जानना चाहे दुखद हो चाहे सुखद। मैं निर्देशन का व्यवसायिक प्रयोग करने की कला नहीं जानती नीलेश। मैं समझ सकता हूँ, सृजन कला भी है और उपासना भी, किंतु ये चुनाव कठिन है, जबकि नौकरी एक आसान चुनाव हो सकती है। कठिन रास्ते का चुनाव कर पाने का अब कोई साहस नहीं रहा। एक बार प्रयास तो करो। नाटक के लिए पात्र, मेरा मतलब है कलाकार कहाँ से लाऊंगी? कॉलेज के समय सब कुछ रेडीमेड उपलब्ध होता था। मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां हैं जो अभिनय कर सकते हैं, किंतु उन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होता। और रिहर्सल के लिए स्थान है ना, रविंद्रालय? मैं कौन सी स्थापित निर्देशिका हूँ जिसे रविंद्रालय जैसा नाट्य थिएटर मिल जाएगा? रविंद्रालय जैसे प्रतिष्ठित नाट्य थिएटर को भी तुम्हारे जैसी नवोदित और प्रतिभाशाली निर्देशकों की आवश्यकता रहती है। और आज के फिल्मों के जमाने में हमारे नाटकों के टिकट खरीदेगा कौन? प्रारंभ के कुछ शो में समस्या हो सकती है, किंतु लखनऊ एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ नाटकों के शौकीनों की कमी नहीं है। वे दोनों बिजली के प्रकाश से कुछ बचकर अंधेरे में खड़े थे, जिस कारण रंजना का माथा और आंखें अंधेरे में थी, बाकी चेहरे पर आड़ा प्रकाश पड़ रहा था, जिससे नाक, आंख और ठोड़ी की आकार रेखा सुनहली होकर उभर आई थी। और इसी स्वर्णाभ और निश्चलता पर नीलेश का कौतूहल आकर टिक गया था। कहते हैं आंखें आत्मा के झरोखे हैं, झरोखे बंद भी हो सकते हैं, परंतु ओठों के कोर एक ऐसा सूचक है जो कभी चूकता नहीं। और इन्हीं की ओर नीलेश अपलक मुक्त किंतु विनम्र भाव से देखता रहा, जैसे वक्त ठहर सा गया हो। बगल से गुजरती हुई एक कार के तेज हॉर्न से दोनों पुनः वास्तविक दुनिया में लौट आए। तुम एक बार फिर विचार कर लो, हम इस पर फिर बात करेंगे। कब? रंजना ने उत्साह से पूछा। कल शाम को 3 बजे बेगम हजरत महल पार्क में, और 7 बजे की कॉफी हाउस में। मेरी ओर से होगी नीलेश। फिर तय रहा, चलो चलते हैं। दोनों अपने अपने कमरों में पहुंचे तो रात के 11 बज चुकी थी। रंजना समय से कुछ पहले पहुंच गई थी। बेगम हजरत महल पार्क में धूप पसरी हुई थी। इक्का दुक्का लोग और कुछ बच्चे छांव की तलाश कर इधर उधर बैठे हुए थे। पार्क के बाहर 2-3 आइसक्रीम बेचने वाले भी खड़े थे। ग्राहकों की प्रतीक्षा करते हुए 2 बच्चे झूला झूल रहे थे, जो पसीने से तर बतर हो रहे थे। रंजना ने अपने बैठने के लिए गुलमोहर के एक पेड़ की तलाश की और उसी की छांव में बैठ गई। अपनी घड़ी की ओर देखा, अभी 3 बजने में 20 मिनट बाकी थे। पेड़ों की छाया लंबी होने लगी थी। पार्क में अकेला बैठना सरल नहीं था। समय पास करने के उद्देश्य से रंजना ने पास में खेल रहे 2 बच्चों को अपने पास बुलाने की कोशिश की, किंतु सफलता नहीं मिली तो हार कर चुपचाप बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। कुछ विशेष और नया दिखाई नहीं दिया। पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार उसके पीछे था और वो जहां बैठी थी वहां से ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने बैठने की स्थिति में सुधार किया और इस प्रकार बैठ गई कि पार्क का मुख्य द्वार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे और नीलेश को वो दूर से ही देख ले। नीलेश ने कोई विलंब नहीं किया था, वो नियत समय पर पार्क पहुंच गया था। रंजना ने उसे देख लिया और तुरंत पीछे की ओर घूम कर बैठ गई, जिससे नीलेश को यह आभास ना हो सके कि वो काफी देर से उसकी प्रतीक्षा में बेताब होकर बैठी है। रंजना को खोजने में नीलेश को अधिक समय नहीं लगा।
पार्क में प्रवेश कर उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई ही थी कि रंजना दिख गई। वो धीरे धीरे बिना कोई पदचाप किए रंजना की ओर बढ़ गया और नजदीक पहुंचकर ठीक उसके पीछे धीरे से चुपचाप बैठ गया। और रंजना को कोई आभास नहीं हुआ कि कोई ठीक उसके पीछे आकर बैठ गया है। थोड़ी देर तो रंजना यूं ही बैठी रही, किंतु जब किसी के आने का कोई संकेत उसे नहीं मिला तो उसने पीछे मुड़कर देखा और सहसा उसके मुंह से निकल गया, अरे तुम कब आए? बस अभी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और इस कारण तुम्हारे पीछे आके बैठ गया था। और मैंने तुम्हें पार्क के प्रवेश द्वार से अंदर आते हुए देख लिया था। अरे मुझे देखने के बाद भी पीछे मुड़कर बैठी रही? और नहीं तो क्या, मैं देखना चाहती थी कि मुझे खोजने में कितना वक्त लगता है। इस पूरे पार्क में तुम सबसे अलग हो, मैंने तुम्हें दूर से ही पहचान लिया था। तुम्हारे बैग में क्या है? कुछ नहीं, बस आपके चुनाव के लिए हिंदी के चुने हुए नाटकों की कुछ किताबें लाया था। रंजना ने नीलेश के बैग से एक एक कर तीनों किताबें निकाली। जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ नाटक ध्रुव स्वामिनी तथा मोहन राकेश के लिखे हुए दो नाटकों की किताबें, एक आषाढ़ का एक दिन और दूसरा लहरों के राजहंस। नीलेश, मैं अपने पहले नाटक के रूप में लहरों के राजहंस को चुनना पसंद करूंगी। क्यों, इसमें क्या विशेष है? वो तो नहीं पता, किंतु इसका प्ले एक बार हम कर चुके हैं। फिर तो बढ़िया है, इस नाटक की विषय वस्तु से तुम अच्छी तरह परिचित ही हो। मैं पढ़ने और समझने के लिए क्या ये दोनों नाटकों को भी अपने पास रख सकती हूँ? अरे हाँ भाई बिल्कुल, मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से लाया हूँ, 15 दिन तक रख सकती हो तुम अपने पास। फिर तो ठीक है, रंजना ने एक छोटा सा उत्तर दिया और लहरों के राजहंस को खोल कर पढ़ने लगी। इसका एक डायलॉग ना मुझे बहुत पसंद है। कौन सा? कि नारी का आकर्षण यदि पुरुष को पुरुष बना सकता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध भी। नीलेश प्ले किए जाने वाले नाटक का चुनाव करने को एक अत्यंत कठिन कार्य समझता था, और चुनाव इतनी सहजता से हो जाएगा इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। पार्क में चहल पहल बढ़ने लगी थी। पार्क में लगे हुए पेड़ों की छाया काफी लंबी हो चुकी थी। पार्क बहुत सारे स्त्री पुरुषों और बच्चों से भर गया था। मुख्य प्रवेश द्वार पर आइसक्रीम बेचने वालों के आसपास भी भीड़ जुटने लगी थी। काफी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे, एक दूसरे से बिना कुछ बोले। आखिर रंजना ने मौन तोड़ा। नीलेश, मैं सोच रही थी कि एक दिन आप मुझसे अवश्य पूछेंगे कि मेरा तलाक क्यों हुआ। हाँ रंजना, मैं तुमसे पूछना चाहता था, परंतु मैं सच कहूँ तो मैं इसकी हिम्मत कभी नहीं कर सका। तुम सोचते होंगे कि इसमें मुझे दुख होगा, किंतु सच कहूँ ना तो अब मैं अपने सारे दुखों से बाहर आ गई हूँ। और सुख तो जानते ही नहीं, सुख दुख तो जीवन के यथाक्रम है, पर अगर तुम मुझे बताओगी तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे भी कुछ मानती हो। नीलेश, थोड़ी देर आकाश को देखती रहने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए रंजना ने धीरे से कहा, नीलेश मेरे पति को पुरुषों का साथ पसंद था और वो मुझसे भी उसी प्रकार की अपेक्षा रखने लगे थे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तुमने 2 साल बिताए, इस दुख के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। शायद मैं उनमें सुधार की प्रतीक्षा करती रही। मैं तुम्हारी विवशता समझ सकता हूँ। पार्क में लाइटें जल चुकी थी, लोगों की भीड़ पहले से अधिक हो गई थी। 2 नवविवाहित जोड़े उन दोनों के निकट आकर बैठ गए थे और दोनों जोड़े धीरे धीरे करके बहुत गहरे तक अंतरंग होने का प्रयास करने लगे थे। रंजना स्वयं को सहज नहीं रख पा रही थी, इसका अनुमान नीलेश को भी होने लगा था। रंजना, आज तुम्हारा हॉस्टल 8 बजे तक ही खुला रहेगा? हाँ, आज कोई छूट नहीं होगी। चलो आज पहले से ही कॉफी पीते हैं कॉफी हाउस में। हाँ ये तो मेरा पहले से ही वादा है।
रंजना ने किताबों को अपने बैग में डाला और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई, किंतु नीलेश कहीं विचारों में रहा। थोड़ी देर अपने स्थान पर बैठा रहा और फिर धीरे से उठा और रंजना के पीछे पीछे पार्क के प्रवेश द्वार से बाहर निकल आया। तब तक रंजना ने एक टेम्पो तय कर ली थी कॉफी हाउस तक के लिए। कॉफी हाउस के सामने उतरकर रंजना ने टेम्पो वाले को बिल का भुगतान दिया और कॉफी हाउस में जाकर दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठ गए। रंजना ने वेटर को दो कॉफी के साथ दो सैंडविच लाने का ऑर्डर दिया और मुक्त भाव से नीलेश की ओर देखते हुए कहा, मैंने वेटर को ऑर्डर देने से पहले तुम्हारी पसंद के बारे में नहीं पूछा, असल में मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने ऑर्डर दे दिया। मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी तरह पसंद है, मैं भी सैंडविच का ही ऑर्डर देने का सोच रहा था। अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरी और तुम्हारी पसंद काफी मिलती है, मेरे सच ना कहने का कोई कारण नहीं है। हाँ मुझे पता है, और यही कारण है कि मैं खुद को तुम्हारे साथ मुक्त समझती हूँ। ये तुम्हारा विश्वास है मेरे प्रति, जिसका मैं सम्मान करता हूँ। शायद मैं गलत नहीं हूँ, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, कहो ना। रविंद्रालय में सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार शनिवार और रविवार को शाम को 3 बजे से 6 बजे तक का समय तुम्हारे रिहर्सल के लिए तय हुआ है। रविवार को 6 बजे के बाद और ज्यादा समय नहीं मिल सकेगा, किंतु बाकी के 2 दिन मिल सकता है। मेरे लिए बहुत है, मुझे इतने की भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे नाटकों में भाग लेने के लिए उत्सुक लड़के और लड़कियां इस शुक्रवार को ही तुमसे रविंद्रालय में मिलेंगे। ये सब तो ठीक है, किंतु तुम नहीं, ये तुम्हारे हिस्से का संघर्ष है। कॉलेज में मेरी क्लासेस होगी और मुझे अपने 3रे पेपर के प्रकाशन की भी तैयारी करनी है। लेकिन तुम्हारे नाटकों के टिकट बेचने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। रविंद्रालय में भी टिकट बिक्री की उचित व्यवस्था है, थोड़ा प्रचार प्रसार अवश्य होगा। कॉफी के समाप्त होने तक कोई कुछ नहीं बोला। रंजना ने वेटर को बिल का भुगतान किया और कॉफी हाउस से दोनों बाहर आ गए। रंजना, मैं समझता हूँ कि तुम सक्षम और समर्थ हो, ये सब बड़ी सरलता और आसानी से कर सकोगी। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे कलाकार तो रहेंगे ही, और मैं भी हूं ना, तुम अकेली कभी नहीं हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है नीलेश। रंजना के अगले 6 महीने काफी व्यस्त रहे थे। रविंद्रालय में उसके निर्देशन में 10 शो हो चुके थे, जिससे उसे कोई विशेष आय तो नहीं हुई थी, किंतु सभी खर्चों और कलाकारों को थोड़ा थोड़ा भुगतान करने के पश्चात उसे जीविका हेतु भी कुछ बच रहा था, जो उसके लिए प्रारंभ में संतोष की बात थी। नीलेश के 3रे पेपर का प्रकाशन हो चुका था, थीसीस भी पूरी हो चुकी थी। उम्मीद थी अगले 6 महीने में उसे PhD की डिग्री मिल जाएगी। इस बीच उसकी 3-4 मुलाकातें रंजना से भी हुई थी। वो अपने काम में बहुत गंभीरता से लीन थी, जो नीलेश के लिए सुखद था। समय बहुत तेजी से गुजरा। नीलेश को PhD की डिग्री मिल चुकी थी। रविंद्रालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में रंजना के पोस्टर लगे थे। एक कुशल और प्रतिभाशाली निर्देशक के रूप में उसकी ख्याति और पहचान बन गई थी। उसके नाटक के सारे शो हाउसफुल होने लगे। लखनऊ से बाहर वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद में भी उसके निर्देशन में मंचित हुए नाटकों को पसंद किया जाने लगा। उसकी एक टीम बन गई थी, सक्षम, समर्थ और कुशल। लखनऊ में नाटकों का दर्शक वर्ग तो था ही, अन्य शहरों में भी उसके नाटकों को काफी ख्याति और सराहना मिली थी। एक वर्ष और समय किस तेजी से व्यतीत हो गया कि पता ही नहीं चला। शाम के 7 बजे थे। नीलेश के आमंत्रण पर रंजना कॉफी हाउस में पहुंची तो सामने नीलेश उसकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था, किंतु उसका मुंह दूसरी ओर था। रंजना ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिस पर रंग बिरंगे फूलों से कढ़ाई की गई थी। वो जाकर धीरे से नीलेश के सामने वाली सीट पर बैठ गई। कॉफी हाउस के छत पर लगी हुई लाइटों के प्रकाश में नीलेश ने देखा वो पहले से हजारों गुना खिली हुई और आत्मविश्वास से भरी हुई। संघर्षों के तप ने उसे निर्मल और शक्तिशाली बना दिया था। वेटर मेज पर 2 कॉफी के साथ 1 प्लेट में भुने हुए काजू रख गया था। रंजना,
मेरी नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चरर के लिए हो गई है। नहीं जानता फिर कब मुलाकात होगी तुमसे। कब जा रहे हो? आज रात के 10 बजे की ट्रेन है। मेरा सामान एक छात्र वहाँ लेकर पहुँचेगा। तुम्हारी ट्रेन में अभी थोड़ा समय है, क्या कुछ देर तुम फिर उसी पार्क में थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। सोच तो मैं भी यही रहा था, तुम्हारे कर्तव्य और विकास के रास्ते में बाधा नहीं बनूंगी, किंतु कुछ देर तुम्हारे साथ एकांत में बैठना चाहती हूँ, उन्मुक्त, बिना भय और पीड़ा के, रंजना ने स्वयं से कहा था। उसमें कोई आक्रोश, प्रतिवाद, आवेश कुछ नहीं था, केवल एक स्थिर स्वीकार्य था। पार्क में गुलमोहर के पेड़ के तले रंजना ने अपने दोनों हाथ उठाकर एक बड़ा सा वृत्त बनाते हुए फैलाए और फिर नीचे गिरा दिया। नामालूम अंगड़ाई लेते हुए या उस विस्तीर्ण और सूने आकाश को बाहों में समेटते हुए नीलेश कुछ समझ नहीं सका था, किंतु उसकी आंखें नम हो गई थी। तो रंजना अपनी भावनाओं को अपनी सीमा रेखा से बाहर प्रकट होने देना नहीं चाहती थी, और वो इसमें सफल भी रही। दोनों उसी गुलमोहर के पेड़ के तले तब तक बैठे रहे जब तक ट्रेन के जाने का समय नहीं हो गया था। नीलेश, मैं तुम्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन तक तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो। मुझे अच्छा लगेगा यदि तुम चलोगी स्टेशन तक। वे जब स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन के छूटने का समय हो गया था। नीलेश का सामान उसकी निर्धारित सीट के नीचे छात्रों ने व्यवस्थित कर दिया था। ट्रेन ने सीटी दी और जल्दी से नीलेश ट्रेन में चढ़ गया, किंतु ट्रेन के द्वार पर दोनों तरफ हाथ टेक कर खड़ा हो गया और ट्रेन के द्वार पर दोनों तरफ हाथ टेक कर खड़ा हो गया और रंजना की ओर देखने लगा। अपलक अंजना ने फिर अपने हाथ फैलाए और एक वृत्त बनाया और उसे नीचे गिरा दिया। नीलेश को विदा दे दी गई थी, ट्रेन चल चुकी थी। रंजना नीलेश को देखती रही जब तक ट्रेन का आखिरी डिब्बा भी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। जिंदगी की आपाधापी में 3 वर्ष निकल गए। नीलेश ने रविंद्रालय से रंजना का कॉन्टेक्ट नंबर लिया और एक शाम फोन करके उसे बता दिया कि वो आ रहा है। शनिवार को उसकी ट्रेन लखनऊ 8 बजे पहुंचने वाली थी। रंजना का शो था, किंतु वो अपना काम सहायकों को सौंपकर नियत समय पर स्टेशन पहुंच गई थी। रंजना को उसका बोगी नंबर पता था और वो वहीं खड़ी थी जहां बोगी आकर ठहरने वाली थी। ट्रेन समय पर थी, नियत समय पर वो बोगी ठीक रंजना के सामने आकर ठहर गई। बोगी के अंदर रंजना ने देखने का प्रयास किया। नीलेश सामान लेकर खड़ा हो गया था। उसके पीछे एक सुंदर सी स्त्री और भी थी। पहले नीलेश उतरा और फिर अपनी साथी को उतरने में सहायता की। सामान को कूली को सौंपा और बाहर गेट पर मिलने को कहा। नीलेश सीधे रंजना के सामने ही पहुंचकर रुका। रंजना ने हाथ जोड़कर शालीनता से विनम्र अभिवादन किया। रंजना, ये है नीलिमा, यही गोमती नगर की रहने वाली है और मेरे साथ ही सहायक लेक्चरर है। और नीलिमा की ओर देखकर वो रंजना का परिचय करने हेतु कुछ कहता इससे पहले ही नीलिमा बोल उठी। ओ, तो आप है रंजना। आपका नाम मैं नीलेश के मुंह से बार बार सुनती हूँ, इतना कि ट्रेन की बोगी से ही आपको पहचान लिया था, रंजना की और निकट आकर नीलेश ने कहा। हम दोनों की नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में हो गई है और अब हम हमेशा के लिए लखनऊ आ गए हैं। रंजना शून्य में देखती रही, कुछ कहा नहीं। तीनों एक साथ रेलवे प्लेटफॉर्म के निकास द्वार से बाहर निकले। कूली सामान लेकर वहीं प्रतीक्षा कर रहा था। नीलेश ने कूली का भाड़ा दिया। कूली चला गया। सामने कार आकर रुकी। नीलिमा का सामान उसमें रख दिया। सामान्य अभिवादन कर नीलिमा कार में बैठी और चली गई। नीलेश ने अपने पुराने छात्रों को बुला लिया था। छात्रों ने नीलेश का सामान एक टेम्पो पर रखा और सामान लेकर चले गए। रंजना सब कुछ कौतूहल और आश्चर्य से देखती रही थी। कुछ पूछने का वो अपना अधिकार अब नहीं समझ पा रही थी और इतना साहस भी नहीं जुटा पा रही थी।
रंजना को अशांत, हतप्रभ और तमाम आशंकाओं से घिरी देखकर नीलेश ने कहा, नीलिमा अपने पिता के साथ अपने घर जा चुकी है और हम एक बार फिर वहीं चलेंगे जहां तुमने मुझे जाने की विदा दी थी। नीलेश हजरत बेगम महल पार्क उसी गुलमोहर की छाँव में पेड़ के नीचे खड़ा था और रंजना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सहसा नीलेश ने रुंधे हुए कंठ से कहा, आओ। रंजना ने देखा उसका हाथ उसी की ओर बढ़ा है। एक आह्वान में उस पुकार को उसने समझा। नीलेश के पास घुटने टेकते और झुकते हुए उसने फुसफुसाते स्वर में कहा, लो आई। साक्षी हो पूर्ण उगा हुआ चांद, आकाश और पवन, तले बिछी हुई हरी घास, फूल और चट्टाने साक्षी हो, अंतरिक्ष के अनगिनत देवता और अकिंचन वनस्पतियां। लेकिन ये एक सत्य है जो कोई साक्षी नहीं मांगता, सिवाय अपने ही भीतर की निविड़ समर्पण की पीड़ा के अपने में हो निहित स्पंदित और क्रियाशील असंख्य पीड़ाओं की असंख्य संभावना के। रंजना खड़ी हो गई थी, मुस्कुराते हुए आकाश में चांदनी के बीच टिमटिमाते हुए असंख्य तारों की तरह उमड़ती हुई असंख्य लालसाओं के साथ, जैसे सब कुछ प्राप्त कर लिया हो। ना कुछ खोने का डर और ना किसी मंजिल को पाने की उत्सुकता। रंजना ने फिर अपनी बाहें खोली और दोनों हाथ फैलाए, एक वृत्त बनाया। किंतु इस बार उस वृत्त के अंदर उसके बाहों के घेरे में नीलेश था, पूरा समाया हुआ, पूरी तरह समर्पित और प्रसन्न।